जो बुरा हाल है वो देखकर मुझे समझ में आ गया। सिर्फ यहाँ लोगों को बांटकर राजनीति करते थे, मगर कांग्रेस की सरकार जब से आई है माननीय भूपेश बघेल साहब सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। इन दो वर्षों में एक साल में लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और दूसरे साल कोरोना के कारण बहुत से सड़कें भी नहीं बन पाई है, मगर इन तीन वर्षों में बचे वर्षों में हमारी सरकार हर क्षेत्र का विकास करेगी, हमें ऐसा लगता है। कांग्रेस की सड़क अच्छी होगी, जरूर होगी सर। दोबारा भूपेश की सरकार की गाड़ी चलेगी, जरूर चलेगी। इसीलिए तो हम जमीनी हकीकत जानने के लिए हम सड़क मार्ग से आ रहे हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार में इन तीन वर्षों में इन सड़कों का विकास होगा। जो ही वर्तमान में बन रही है सड़क वो भी तो उखड़ रही है सर। देखिए बनेगी, अगर ऐसी कुछ बातें होगी तो जरूर सरकार के संज्ञान में आएगी, तो जरूर कार्यवाही होगी। थैंक यू। अच्छा, बगीचा में कुछ लोग विरोध कर रहे थे अध्यक्ष को लेकर। देखिए संगठन के माध्यम से बात आई है, उनका हम परीक्षण करेंगे, जो भी बात आएगी हम इसीलिए सभी जिलों का उस जिले में रुक रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ रुक रहे हैं, सभी की बात सुन रहे हैं और जो बातें आएंगी उन बातों को हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे।